जबलपुर की पनागर तहसील के ग्राम बड़ौदा के रहने वाले कई किसानों का धान पंजीयन जानबूझकर डिलीट कर दिया गया। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों को सब पता है कि किसने और क्यों पंजीयन डिलीट किया, इसके बाद भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा नहीं की जा रही है। बड़ौदा ग्राम से आए किसानों का कहना है कि पंजीयन निरस्त हो जाने के बाद अब उनकी धान वेयर हाउस के बाहर रखी है, जिसकी देखरेख स्वयं को ही करना पड़ रहा है। वहीं अब व्यापारी बहुत ही कम कीमत में धान बेचने का दबाव भी बना रहे हैं। सोमवार की शाम मजबूर किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो SDM ऋषभ जैन ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों की जांच करवाई जाएगी। किसानों ने SDM को बताया कि एक माह से वह लोग अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पनागर तहसील के ग्राम बड़ौदा से आए किसान राजेंद्र पटेल ने बताया कि एक माह से उसका धान वेयर हाउस के बाहर पड़ा हुआ है। धान का पंजीयन करवाया था पर वह निरस्त कर दिया गया। किसान राजेंद्र पटेल ने बताया कि करीब आधा दर्जन किसानों के साथ ऐसा किया गया। किसान राजेंद्र पटेल ने बताया कि उसे अगले माह अपनी बेटी का विवाह करवाना है, ऐसे में अगर उसकी धान खरीदी नहीं होती है तो संभवतः उसकी बेटी का विवाह रुपए के अभाव से रुक जाएगा। राजेंद्र पटेल ने बताया कि धान का जो मूल्य शासन 2000 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है, व्यापारी उसी धान को 1300 रुपए क्विंटल में खरीदने को तैयार है। किसान ने बताया कि खरीदी केंद्र में बैठे कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों का धान पंजीयन निरस्त करवाया गया है, जिसमें व्यापारियों को फायदा पहुँचाया जा सके। यहाँ आ रहे हैं, हर सुनवाई में आ रहे हैं, कर्मचारियों के पास पहुंच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हो रहा है, हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। हमारा पंजीयन डिलीट हो गया है, मालूम हो गया इन लोगों को, वो भी मालूम हो गया, 13 तारीख को इन लोगों को मालूम हो गया है कि किसने डिलीट करवाया, किसकी आईडी से डिलीट हुआ है।